गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 14 मुस्कुराहट का राज। देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, अब हम करते हैं इसके भाषा बोध। भाषा बोध में है नंबर वन, बताइए रंगीन शब्द कौन सा अभिकारी शब्द है। तो इसमें रंगीन शब्द दिए गए हैं क्योंकि हमें अभिकारी शब्द बताने थे कौन सा अभिकारी शब्द यूज हुई है। तो है का अगले दिन में झटपट तैयार हुआ। तो झटपट जो है उसमें रंगीन शब्द है, झटपट में क्या हुआ क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्रिया विशेषण ले देंगे हम। ठीक है, खा है ये कमरे के अंदर खेला जाता है, कमरे के अंदर खेला जाता है ना, तो के अंदर क्या हो गया यहाँ पर संबंध बोधक। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा संबंध बोधक कार्य, संबंध बोधक अविकारी शब्द।
उपकार रेखांकित कर जो वाक्य में कारक रेखांकित हैं, कारक प्रयुक्त हुए उनको रेखांकित करके कारक का नाम लिखना है। तो देखिए थर्ड वाले है खेल रहा था, तो यहां हो जाएगा लंबा लड़का। हां बेटा पैर छुआ, ठीक है, टूट गया।
उत्तर ना दिया, नहीं दिया। अबे गा गेंद उछलकर बाहर गिरा, तो क्या हो जाएगा, गेंद उछलकर बाहर गिरी। ठीक है, घा बैट से मिलाकर मुस्कुरा दिए, क्या हो जाएगा, बैट से मिलाकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, अबे नंबर तीन क्रिया शब्द बदल कर लिखिए, इसको आप मेरी निराशा बढ़ती गई है, इसमें क्रिया शब्द है मेरी निराशा बढ़ती गई, इसमें आप ये होमवर्क भी करेंगे, आप अपनी याद करेंगे। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी मैं। ये उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, देखिए नंबर फाइव है, उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, तो हम इसको कॉपी में करते हैं। ठीक है, कॉपी पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर का है, लेखक लोग लेखक को देखकर करनी क्यों काटते थे, तो आंसर है लेखक को जहां कहीं भी मौका मिलता था वह दूसरों को टिप्स देने से नहीं चूकते थे, उनकी गलतियों को पकड़ना और उनमें सुधार के उचित उपाय बताते। कई लोग उनकी इसी आदत से परेशान हो गए थे कि दूर से इतना परेशान हो गए थे कि दूर से देखते ही करनी काट लेते थे। ऐसी है प्रश्न नंबर खा, प्रश्न नंबर खा है हमारा, युवक के ना आने पर लेखक की मनस्थिति कैसी थी, तो युवक के ना आने पर लेखक की मनस्थिति कैसी थी। शाम को पार्टी शुरू हो चुकी थी, मेहमान आने लगे थे, लेखक बेसब्री से अपने प्रिय शिष्य दिवाकर का इंतज़ार कर रहा था, वह उसे अपने मित्रों और परिवारजनों से मिलवाकर अपनी योग्यता का प्रमाण देना चाहता था, तो इसीलिए उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और उसकी मनस्थिति ऐसी थी कि सबको सबसे जल्दी से उसको मिलवाए। प्रश्न नंबर गा है, युवक को सही तरह से पकड़ना सिखाने में लेखक को क्या परेशानी हुई, क्या परेशानी आई। युवक को रैकेट सही से पकड़ने सिखाने में, युवक को सही तरह से रैकेट पकड़ना सिखाने में लेखक ने उसे कहा कि इस रैकेट को दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ें, लेखक ने उसे पकड़कर दिखाते हुए कहा, ऐसे तीन उंगलियों से। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस युवक को सही तरह से रैकेट पकड़ना सिखाया, वह कभी जोर से रैकेट को पकड़ ले रहा था, कभी बहुत ढीला। ठीक है, तो इसलिए बड़ी परेशानी उनको आई। अब है लेखक जिस युवक को एक नाड़ी समझ रहे थे, वह समझ रहे थे कि उसे कुछ नहीं आता, परंतु वह तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, वह तो राज्य स्तर का खिलाड़ी निकला। इसी से लेखक के मन में धरती फटने और उसमें समा जाने का विचार आया। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे और जो भी एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में और कॉपी में करेंगे, और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। ओके, आप इसको लिखकर लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।